बल्कि 2898 एडी को लेके अभी के टाइम पे काफी बड़े बड़े रूमर्स निकल के सामने आ रहे हैं, जिसमें से सबसे बड़ा रूमर्स कह सकते हैं या फिर सबसे बड़ी न्यूज ये बोल सकते हैं कि कल की 2898 एडी काफी जल्द आने वाली है। लेकिन भाई उससे पहले जितने भी इसके करेक्टर्स है, मतलब जितने भी 7 चिरंजीवी है जिसमें से अश्वत्थामा, पद्मा, कल्कि एंड कली जितने भी मतलब लोग है इस मूवी के अंदर, उन सभी का एक कैरेक्टर इंट्रोडक्शन होगा। एंड वो कल कैरेक्टर इंट्रोडक्शन 20 से 25 मिनट के समथिंग होगा। मतलब सारे के सारे जितने भी चिरंजीवी है उनका 4 पार्ट के अंदर एक कैरेक्टर इंट्रोडक्शन करवाया जाएगा हमारे सामने, जो कि इस मूवी के रिलीज होने से पहले ही रिलीज किया जाएगा। तो मतलब ये मेरे को काफी अच्छा लगा। लेकिन एक बेड न्यूज ये भी है कि इस मूवी के जो एडिटर्स है वो भाई इस मूवी को थोड़ा क्यूट कर चुके हैं, उसका रीजन क्योंकि उसके पास डेट्स नहीं है। लेकिन ये मूवी पता नहीं अब क्या होगा क्या नहीं होगा, वो तो मेरे को भी नहीं पता। लेकिन ठीक है, ये मूवी रिलीज तो उसी डेट पे ही होगी। बाकी आपको बता दूं, इस मूवी की स्टोरी हमारे जो विष्णु पुराण है उससे प्रेरित होने वाली है। मतलब विष्णु पुराण के अंदर हमें हमारे विष्णु भगवान के 10 अवतार के बारे में वर्णन बताया गया, जिसमें 9 अवतार ऑलरेडी धरती पे एग्जिस्ट कर चुके हैं। एंड अब भाई विष्णु भगवान का जो 10वां अवतार होगा वो कलयुग के अंदर होगा, मतलब कल्कि के रूप में उसका 10वां अवतार होगा। एंड कल्कि है वो बेसिकली कली, जैसे कलयुग के अंदर एक बहुत बड़ा राक्षस जन्म लेगा जिसका नाम कली होगा। एंड भाई वो उस कली को मारने के लिए कल्कि का अवतार होगा, मतलब विष्णु भगवान खुद धरती पे आएंगे। एंड वो कलयुग के अंदर कली का इतना बड़ा प्रकोप होगा, मतलब वो कली राक्षस इतना ज्यादा पावरफुल होगा कि हमारे विष्णु भगवान को भी 7 चिरंजीवी की हेल्प लेनी होगी उस राक्षस को मारने के लिए। तो आप सोच सकते हो कली कितना ज्यादा पावरफुल होगा। ये मूवी लिटरली में इंडिया की गेम चेंजर मूवी भी बन सकती है अगर इस मूवी को सही से रिलीज किया गया तो, क्योंकि बहुत सारी मूवीज थी जैसे हमने आदिपुरुष मूवी देखी थी, वो मूवी भी काफी अच्छी लग रही थी, बजट भी काफी अच्छा था, लेकिन उसके VFX सच थे, VFX एंड उसकी एडिटिंग ने उस मूवी को डुबा दिया। इस मूवी को लेके बहुत सारे रूमर्स ये भी आ रहे हैं कि ये मूवी इंडिया की फर्स्ट एवर हॉलीवुड को टक्कर देने वाली मूवी बन सकती है, क्योंकि इस मूवी का बजट भी बहुत ज्यादा है, 500 करोड़ के समथिंग इस मूवी का बजट बताया जा रहा है। एंड इस बजट में अगर ये मूवी लिटरली में हमें कोई बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाती है, क्योंकि जैसे आपको पता है कल की 2898 एडी इस मूवी का नाम है, मतलब आज से तकरीबन हजारों साल बाद की ये स्टोरी होने वाली है, जिसकी वजह से ये कहना काफी हद तक सही है कि उस टाइम पे कलयुग मतलब अपने चरम सीमा पे होगा, लोगों के अंदर दया भाव बिल्कुल भी नहीं होंगे, एंड जो पावरफुल लोग है वो बेसिकली गरीबों पे बहुत बड़े ज्यादा जुल्म वगैरह करेंगे। एंड लिटरली में ये काफी बुरा होने वाला है। बाकी इसके जितने भी कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होंगे वो भाई 4 पार्ट के अंदर हमें दिखाए जाएंगे, जो कि 20-25 मिनट के समथिंग के होंगे। साथ ही में भाई उसके साथ में इसका 2 पार्ट के अंदर इस मूवी को रिलीज किया जाएगा, एंड बाकी 3 पार्ट के अंदर भी रिलीज कर सकते हैं, कोई कंफर्म नहीं है। लेकिन अभी के टाइम पे मेकर सिर्फ 2 पार्ट का ही वर्णन कर रहे हैं, मतलब 2 पार्ट के बारे में बोल रहे हैं। एंड अभी तक इस मूवी को सिर्फ 2 पार्ट के अंदर बनाने की प्लानिंग चल रही है, लेकिन हो सकता है 3 पार्ट भी हो सकते हैं, कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर मूवी सुपरहिट हुई 3 पार्ट भी बनाएंगे, जैसे KGF का आ रहा है वहीं पे। बजट, इस मूवी की स्टोरी सभी के सभी काफी अच्छे है, जिसकी वजह से मूवी चलने के चांसेस काफी ज्यादा है। वहीं पे इस मूवी के अंदर जो स्टार कास्ट है वो भी काफी अच्छी अच्छी है, दीपिका पादुकोण, कमल हसन, प्रभास, दुलकर सलमान, दिशा पाटनी जैसे बड़े बड़े स्टार कास्ट, हो सकता है ये मूवी काफी अच्छी चले एंड पिट भी सकती है, कुछ भी नहीं कह सकते। एंड मूवी काफी अच्छी हो सकती है, जब तक इसका फाइनल ट्रेलर नहीं रिलीज नहीं होता तब तक ये मूवी बहुत अच्छी है एंड बहुत ही मजा देने वाली है। इसके टीजर को देखने के बाद काफी अच्छा लगा था एंड इसके ट्रेलर को देखने के बाद भी अच्छा लगा, तो लिटरली में ये मूवी सुपर हिट होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।